नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। इस खास सत्र में आज हम बात करने वाले हिंदी विषय के ऊपर। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है माटी वाली, जो कि विद्यासागर नटियाल जी की कृति है। उनके बारे में भी हम जानेंगे, समझेंगे और क्या खास इस कहानी में बातें कही गई हैं और उन बातों को अपनी निजी ज़िंदगी में किस तरीके से अमल में लाना चाहिए, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, बहुत सारी बातें इस सेशन में हम करने वाले हैं। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर देखिए अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, यह है 8800440559। इस नंबर पर आप ज़रूर फ़ोन करें, सवाल करें, जो भी आपके डायलमाइज हो। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ऑफिशियल मेल आईडी यह है जो क्लास 9 के लिए dts.class9@cit.nic.in। ज़रूर अपने सुझाव यहां पर भेजा करें। इसके अलावा आप पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 पर इस प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। और अगर टेलीविज़न पर नहीं देख पा रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन सबके रीच में है, एनसीईआरटी ऑफिशियल। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा यूट्यूब चैनल तो ज़रूर ये लिंक आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगा। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर संजीव शर्मा, जो कि अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ वाबस्ता हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। और संजीव जी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे सेशंस हमने किए हैं, तो आज माटी वाली एक अलग ही प्रकार का एक यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। जी, खास करके आज के इस दौर में, जहाँ पे विगत हमने साल में देखा भी कि इस महामारी के कारण एक बहुत बड़ी मात्रा में पलायन और विस्थापन हुआ, मजदूरों का, श्रमिकों का, गरीब तबके का हुआ, तो यह पाठ उससे भी जुड़ता है। चलिए, ये तो खैर आपने इसको तात्कालिक संदर्भ से भी जोड़ा है, ये भी एक अपने आप में बहुत संजीदा समर्म है, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ कहानियाँ हुई। खैर चलिए, अपने मूल विषय पर वापस लौटते हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं, राइटर हैं, विद्यासागर जी, उनके बारे में हमें हमारे बच्चों को कुछ बताएं। देखिए, विद्यासागर नौटियाल जी हिंदी साहित्य के कुछ उन प्रसिद्ध कथाकारों में हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो लिखा उसे जिया भी। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म सन 1933 में टिहरी में हुआ था, और विद्यासागर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में करने के उपरांत फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने एमए अंग्रेजी किया, और वहाँ पर छात्र संघ के वह प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए थे। और उन्होंने 1958 में ही एक प्रसिद्ध कहानी लिखा था, भैंस का कट्टिया, और उसके बाद बीच में उन्होंने लिखना थोड़ा सा छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद वो प्रसिद्ध आंदोलन जिनमें चिपको आंदोलन हो गया, टिहरी बांध का विरोध हो गया, इन सब से जुड़े, और कालांतर में 1980 में वो विधायक भी निर्वाचित हुए देवप्रयाग से जी। और विद्यासागर जी ने अपने कथा साहित्य में यमुना के बागी, मोहन गाता जाएगा, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा हुआ जैसे प्रसिद्ध कहानी उपन्यासों को लिखा है, और 2012 में विद्यासागर जी का देहांत हो गया। चलिए, तो क्या कुछ खास है इस माटी वाली कहानी में? मुझे तो खैर काफ़ी तजस्सुस हो रहा है इस कहानी को समझने के लिए, कहानी सुन लेते हैं सीधे सीधे। देखिए, ये जो माटी वाली कहानी है, ये जैसा कि हमने चर्चा किया कि विद्यासागर जी टिहरी बांध के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसमें सक्रिय रूप से भागीदार थे, और ये माटी वाली कहानी भी एक ऐसे दलित हरिजन की कहानी है जिसके पास अपना कहने को कोई भी संपत्ति नहीं है, और विस्थापन, जैसा कि हम जानते हैं कि टिहरी पूरा का पूरा उस बांध में डूबा, और उस विस्थापन में इसके पास कोई भी ऐसा कागजात नहीं था कि यह अपने मुआवजे के लिए किसी भी प्रकार का दावा कर सके। तो इसी संदर्भ में विस्थापन की क्या व्यथा होती है उसके ऊपर विद्यासागर जी ने इस कहानी में हमें समझाने का प्रयास किया है जी। तो हम जरा देखें जी। जैसे कि प्रारंभ में ही लेखक कहते हैं कि शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा, मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो,
जहां उसे न जानते हो, घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार उनके बच्चे तलक। घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। ये बड़ा ही मार्मिक पंक्ति है कि उसके काम में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आमतौर पे हम जानते हैं कि जहाँ पे जिस व्यवसाय में मोनोपोली होता है, एकाधिकार होता है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि भाई उसमें तो बहुत ज्यादा आर्थिक उन्नति होती है, बहुत लाभ होता है। तो इस माटी वाली का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। क्यों कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? और भाई कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो फिर तो इसको, इसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। परंतु कोई प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके इस काम के एवज में इसको आर्थिक रूप से कुछ विशेष लाभ नहीं होता और अत्यंत श्रम साध्य इसका यह काम है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। यानी यहां पर लेखक ने दिखाया कि टिहरी शहर में के लिए वह इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वो ना हो तो भाई टिहरी शहर में चूल्हा भी लोगों का नहीं जल पाएगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि टिहरी में, जैसा कि हम जानते हैं कि घरों में पहले और अभी भी बहुत से जगह गांव में चूल्हे को लीपने के लिए मिट्टी का प्रयोग होता है, घर को भी लीपने के लिए मिट्टी का प्रयोग होता है। क्योंकि टिहरी शहर जहाँ की यह कहानी है वह जिन नदियों के किनारे है वहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा रेतीली है और रेतीली होने के कारण चूल्हे की लिपाई के लिए बहुत मुश्किल से लाल मिट्टी मिल पाती थी। तो ऐसे में अगर माटी वाली ना हो तो भाई वहां का कोई काम भी न चले। तो हम देख रहे हैं कि माटी वाली बहुत ही आवश्यक है। इतना आवश्यक होने के बावजूद भी कि सारे शहर के लोग उसे पहचानते हैं, सभी लोग उसे जानते हैं, परंतु इसके बावजूद भी माटी वाली जो है हम देख सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। मतलब वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध है वहां पर कि उसके कंटर यानी कनस्तर जिसमें वह माटी लेके आती है उसे भी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानते हैं। यहां लेखक दिखाते हैं कि किस तरीके से वो मिट्टी लेकर के आती है। तो वही बताया गया कि रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भला भरा कनस्तर, उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। ढक्कन क्यों नहीं लगता था कि भाई वो एक तो मिट्टी तो इतनी तो कीमती चीज नहीं है कि उसे छुपा के ताले में बंद करके रखा जाएगा। दूसरा मामला ये कि भाई मिट्टी भरने के लिए जरूरी था कि ऊपर से वो पूरा का पूरा खुला हुआ हो और जल्दी से उसको मिट्टी को गिराना भी होता है। खैर तो इसी बीच में माटी वाली माटी लेके आती है और एक 9-10 साल की जो बच्ची होती है वो कामिनी उसके पास दौड़ कर आती है और वहां कहती है कि मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और दो रोटियां लेती आई। रोटियों को उसने उसे सौंप कर वह फिर रसोई में घुस गई। अब आगे हम देखें जी, भाई रोटियां दिया उन्होंने और माटी वाली को और अपने काम में लग गई। हाँ, फिर क्या होता है? बड़ा मार्मिक पंक्ति है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। हम प्राय अपना पूरा समय अपने भविष्य के बारे में ही सोचने में हम लगा देते हैं, पर माटी वाली के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ है ही नहीं जी। तो क्या सोचे? जब कुछ उम्मीद होता है तब तो इंसान सोचता है। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हां, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया। वो जो
भारी वजन रखने के लिए नहीं, वो जी, वो हम बना लेते हैं, तो उस टाइप का था कपड़ा, खुला तो चादर बन गया। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी, साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी और उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। अब सवाल उठता है कि भाई रोटी उसने क्यों छुपाया, वो एक रोटी दो जो हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं जरा बताएं कि उसने रोटी क्यों छुपाया और बिना रोटी खाए मुंह चलाने का वो बहाना क्यों कर रही थी, नाटक क्यों कर रही थी। कि तो हमारे बच्चे इसके बारे में जरा सोचे कि क्या मामला होगा। और उसके बाद फिर क्या होता है कि मालक ले सद्दाबासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूके मारी, तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठगुराइन जी, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। अब आप देख, जैसे हम देख सकते हैं यहां पर जी, कि एक पीतल का ग्लास तक ये एक सामान्य सी चीज है जी, जी। वहां के लोग उसे कितना संभाल करके रखते हैं, और कहते हैं कि पुरखों की ये संजोई हुई धरोहर है। तो हम कल्पना कर सकते हैं, कहानीकार ने संकेत किया है कि भाई देखिए पीतल का गिलास जब उनको इतना प्यारा है तो इस बांध के बनने में उनका घर, उनका जमीन, उससे जुड़ी हुई यादें, क्योंकि वस्तु या भौतिक संपत्ति मात्र संपत्ति नहीं होती है, उससे हमारा अपना एक जुड़ाव भी होता है। तो लेखक यहां दिखा रहे हैं कि हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भाई एक गिलास को जब बेचना उनके लिए इतना मुश्किल था, तो पूरी की पूरी अपनी घर द्वार जो है, जमीन, उन सबसे दूर होना, अपनी मिट्टी से दूर होना एक कितना बड़ा दर्द होगा। और विस्थापन का दर्द जो होता है वो दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे देखा होगा। खैर, तो अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे की पंक्तियों में क्या स्थिति है कि भाई वो कहती है कि भाई हम कैसे बेच दें इनको। फिर वहां कहते हैं कि इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, अब जिस पर जिस घर में जाओ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या कांच के। तो इस प्रकार से जो पूरा उनके बीच में संवाद होता है वह संवाद बताता है कि बार बार वहां के लोग अपनी परंपराओं से अपना एक जुड़ाव किस तरीके से महसूस करते हैं, और हर आदमी अपनी परंपराओं से, संस्कृति से एक जुड़ाव महसूस करता है। अब तीसरे अंश में क्या होता है कि भाई अब हम यहां देखें जरा, उस घर में भी कल हर हालत में माटी ले आने के आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गई। अब वो फिर एक घर में गई और वहां पर भी भाई कल तुम मिट्टी ले आना, उसे दो रोटियां दे दी गई और एक रोटी उसने छुपा करके रखा था और दो रोटी उसे और मिल गई, तो भाई उसके पास कुल कितनी रोटी हो गई, तीन रोटी हो गई। अब उसी तीन रोटी पर वो सोचती है कि भाई मैं तीन रोटी लेके जाऊंगी, मेरा जो पति है जो बूढ़ा है बीमार है वो रोटियों का इंतजार करता रहता है, क्या मैं जाऊंगी और आज उसे दिखाऊंगी तीन रोटी है, और आज
रोटी उसे सिर्फ रोटी ही नहीं दूंगी, तो उसके बीच का जो द्वंद है, जो उत्साह है, तीन रोटियां ही उसे कितना उत्साहित कर देती है। तो समझ में आया कि वो एक रोटी छुपाने के मायने क्या हुए, कि कोई इंतजार में है और रोटियों की संख्या अगर ज्यादा है तो बिल्कुल, तो वो सोचती है कि भाई आज मैं अपने बूढ़े को सिर्फ रोटी नहीं दूंगी, कुछ पैसे जो माटी बेचने से उसे मिले थे, फिर कहती है कि मैं उस पैसे का मैंने प्याज खरीदा है, घर जाते ही जल्दी जल्दी प्याज कूट के तेल में छौंक करके मैं अपने बूढ़े को दूंगी खाने को, हालांकि मेरा पति जो है अब बेचारा ज्यादा नहीं खा पाता, जैसे तैसे एक रोटी खाएगा लेकिन कितना खुश होगा, मैं उसे आज छुपा करके उसे मतलब सरप्राइज कर दूंगी प्याज की सब्जी और तीन सूखी रोटी दे करके। परंतु जब वह पहुंचती है ये सोचते हुए उत्साह में अत्यंत प्रसन्नता के साथ कि आज मैं क्या खाने को दूंगी अपने पति को, वो कितना खुश होगा, जब वो पहुंचती है तो लेखक बहुत ही मार्मिक पंक्तियों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि अब उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई, घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, बहुत उसकी मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहां है। अब भाई डैम का पानी भरने वाला था तो भाई जल्दी जल्दी अपना मुआवजा लो और जाओ, कागज पत्तर दिखाओ, जो सरकारी व्यवस्था है तरीका है। तो टिहरी बांध के अधिकारी ने पूछा कि भाई तुम कहां रहती हो, तो उसने कहा कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब, माटी कहां से लाती हो, माटा खान से लाती हूं माटी, वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, क्या कमाल की बात है। कि अधिकारी कहते हैं कि माटा खान तेरे नाम पर चढ़ी है, अरे भाई अगर माटा खान ही उसके नाम पर चढ़ी होती तो उस बेचारी को रोटियां चुरा करके क्यों लेकर के जाना पड़ता। और इस तरीके से क्योंकि उसके पास जहां वो रहती थी उसका कोई प्रमाण पत्र कोई कागज पत्र उसके नाम पर नहीं था, अत्यंत गरीब थी तो उसको कहीं पर भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। और अब अंतिम अंश में हम देखते हैं कि किस तरीके से कि टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं, पानी भर जाने से सबसे पहले कुल स्मशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वालों से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि एक गरीब के पास जिसके पास जो सर्वहारा है जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, अगर उसका स्मशान भी उजड़ जाएगा तो आखिरी ठौर वो कहां पाएगा। तो इस प्रकार यह कहानी हमारी संपूर्ण होती है, परंतु हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। एक अच्छा तर्तम इसमें देखने को मिला, बहुत ही भावावेग की चीज़ें भी इसमें रहीं, दर्द एक देखने को मिला और अपनापन भी देखने को मिला। अंत में जाकर थोड़ा सा ये ज़रूर था कि जिनके लिए वो रोटी लेके गई थी कम से कम वो रोटी तो आत्मसात कर लेते, ग्रहण कर लेते, तो कुछ कहानी का मूड अलग ही अलग हो जाता। लेकिन चलिए लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए क्या इसमें एक बुनियादी ख्याल जो है वो निकल कर देखिए, इसके लर्निंग आउटकम्स के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी स्वयं को दूसरों की परिस्थितियों में रखते हुए समझेगा कि भाई किस प्रकार की स्थितियां हैं। इसके साथ साथ ये जो पाठ है एक कहानी है, तो कथा के जो साहित्यिक तत्व होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो सौंदर्य बोध होता है, उसका बच्चा विद्यार्थी रसास्वादन करेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि इसमें
जो पंच लाइन है जिसे कहते हैं, जो चार पांच प्रमुख पंक्तियां, ऐसे तो पूरा का पूरा पूरी की पूरी कहानी ही अपने आप में एक शानदार कहानी है। पर जैसे मान लीजिए कि भूख मीठी की भोजन मीठा, या वो अपनी माटी छोड़ करके जा चुका था, या उसके पास अपने भले बुरे के सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, या अंतिम पंक्ति जो है कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस प्रकार के वाक्यों और पदबंधों के द्वारा विद्यार्थी समझेंगे कि साहित्य के गद्य में भी किस तरीके से गद्यात्मक रचनाएं भी कितनी खूबसूरत हो सकती हैं कि वो पद्यात्मकता का, काव्यात्मकता का एहसास करें। और भाषा बहुत ही मुहावरेदार है, जन सामान्य से जुड़ी हुई चरित्र के बहुत ही नज़दीक भाषा है कि उन्होंने, क्योंकि गढ़वाल की कहानी है, टिहरी की कहानी है, तो वहाँ से के स्थानीय शब्दों का, तत्वों का पुट देने का उन्होंने प्रयास किया है। तो हमारे विद्यार्थी ये सब जो अधिगम संप्राप्ति हैं उसको देखेंगे, और इसके साथ साथ वो चाहें तो इस कहानी को एक तरीके से इसका नाट्य रूपांतरण करने की ओर भी हमारे विद्यार्थी प्रेरित होंगे, और उनकी अपनी एक समझ विकसित होगी कि दुनिया में हम जिन शब्दों को बड़े सामान्य रूप से कह देते हैं, या टीवी में हमारे सामने एक रिपोर्ट बन करके आता है, वह वास्तव में जिसके साथ गुजर रहा है, उसके साथ क्या स्थिति है। बिल्कुल, विस्थापन की ऐसी दर्द विदारक जितनी भी तस्वीरें हमने देखी थी, खासतौर से सेकेंड वेव के दौरान, वो अपने आप में भी बहुत सारी कहानी कहने वाली हैं। कहने को तो एक एक महिला थी जो तकरीबन 300 या 200 किलोमीटर चली, और वो गर्भ से थी, और ललितपुर नामक एक स्थान पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने जाकर एक बच्चे को जन्म दिया था, फिर उनको फिर वो हॉस्पिटैलिटी जाकर अवेलेबल कराएगी। तो ऐसी कई मर्मस्पर्शी घटनाएं हैं जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन वास्तव में एक जो बात आपने बोली ना, उसको महसूस कर पाना बहुत मुश्किल है कि बहुत जल्दी, क्योंकि वक्त हमारे पास, हमारे बच्चे विस्थापन को एक इवेंट नहीं समझेंगे, एक त्रासदी के रूप में हमारे बच्चे विस्थापन की समस्या को देखें। बिल्कुल, तो चलिए, ये था आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही कमाल की कहानी रही। इसमें बहुत सारे जज्बात भी थे, एहसासात भी थे, तो जिसको आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने एक एक अक्षर से तो उसको महसूस किए होंगे, उस दर्द को ज़रूर समझा होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हमें ये रोकना होगा। अगला कार्यक्रम जो है वो है इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज पार्ट टू, कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप संजीव जी इधर आए, स्टूडियो आए, और इतनी कमाल की कहानी हमारे बच्चों के लिए सुनाई, और उससे संबंधित जितनी भी अच्छी बातें बताने के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के बाद अगला सेशन यू रहा, कहीं मत जाइए, बने रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल के साथ।